सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त समीम। दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली के यमुना कालिंदी कुंज रिवर घाट पर। ये कुछ यहां का नज़ारा है और ये नज़ारा आप देख सकते हो कितना शानदार, कितना अद्भुत, कितना ज़बरदस्त है। और यहां पर भाई मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये रेता है जो आप और हम सब लोगों के घर में इस्तेमाल होता है पलस्तर में। और भाई साहब, इस रेते की क्वालिटी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये रेता इतना शानदार है ना, यदि आप अपने घर में लगाओगे ना भाई साहब, पलस्तर इतना मजबूती पकड़ेगा और ना तो इसको छानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देखो इतना बारीक, इतना मस्त रेता है। यमुना सैंड इसको बोलते हैं। आप अगर मार्केट में इसको ख़रीदोगे तो भाई साहब बड़ा महंगा आता है ये, क्योंकि यमुना का जो किनारा है वो कुछ खास नहीं है और यहाँ पर जो रेते की मात्रा है ना वो काफ़ी कम संख्या में होती है, इसलिए जो ये रेता है ये मार्केट में काफ़ी महंगा मिलता है। ये जो आप घाट देख रहे हो, ये कालिंदी कुंज घाट है। और ये देखो रेते की क्वालिटी यहाँ पर कितनी शानदार है। मैं यहाँ पे पैर रखूँगा तो वो गड्ढा हो जाएगा। ये देखो भाई साहब, इतना मस्त रेता। और यहाँ का अगर मौसम मैं बात करूँ, एक नंबर शानदार मौसम है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश भी हुई थी, जिसके बाद मौसम देखो कितना सुहाना हो गया भाई। पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, जो वाइब्स आ रही है ना यहाँ बैठ के, अगर भाई आप यहाँ पर बैठ के कुछ सोचोगे ना, आपको कुछ भी सोचना है तो ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे ख्याल, पॉजिटिव वाइब्स आपको आएंगी, काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये पास में ही नज़दीकी मेट्रो है कालिंदी कुंज, उससे आप आ सकते हो। और अपनी बाइक से अगर आना चाहते हो तो भाई कालिंदी कुंज से सीधा जैसे ही आप लेफ्ट मुड़ेंगे, मदनपुर खादर के लिए जो रास्ता जाता है उससे जो पहला कट आएगा उसमें लेफ्ट आप अंदर आइए, यहाँ पर बाइक लगाइए और यहाँ पर भाई कैंपिंग करिए, 1-2 घंटे 3 घंटे बैठिए और मस्त मौसम का आनंद लीजिए। ये जो ये किनारा है, ये दिल्ली का किनारा है। उस तरफ मैं दिखाऊंगा, ये सामने जो आप बहुमंजिला इमारत देख रहे हो, ये है नोएडा उत्तर प्रदेश, यानी कि उस तरफ उत्तर प्रदेश और इस तरफ अपना दिल्ली जहाँ हम रहते हैं। और ये बीचों बीच नदी है। अभी कुछ मछुआरे भाई यहाँ पर वो भी पकड़ रहे थे, मछलियाँ पकड़ रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के तो भाई मछली हाथ लगी और कुछ के नहीं। मछली पकड़ना भी एक हुनर है, कई लोग इसको अपने उसके लिए करते हैं, इच्छा के लिए। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये भाई इसलिए है क्योंकि काफ़ी समय से भाई ड्यूटी करते करते एक भी हमने छुट्टी नहीं ली थी और जो मूड था ना वो एकदम ख़राब हो गया था। तो फिर लगा कि यार कहीं चला जाए और थोड़ा अपने मूड को थोड़ा सा फ्रेश किया जाए, तो सोचा कि दिल्ली में ऐसी कोई जगह तो है नहीं है जहाँ पर भाई शांति हो, शांति के 2 पल आप बिता सको। तो दिमाग में आइडिया आया कि भाई एक जगह है यमुना नदी। यमुना नदी वैसे तो भाई काफ़ी सुर्खियों में रहती है, क्योंकि इसका जो पानी है ना वो काफ़ी गंदा होता है। कई बार सुर्खियों में, न्यूज़ में आप सुनते हैं कि यमुना का पानी गंदे नाले की तरह हो गया, लेकिन अभी जो स्थिति है ना यमुना की, वो अभी देखो आपको एक गंदा पानी तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि भाई बरसात का सीज़न है, पूरे देश भर में बारिश का माहौल है, बारिश पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो पानी है वो मटमैला हो जाता है। लेकिन जो ये पानी है ना, ये भाई साफ पानी है। हालांकि मटमैला होने के चलते आपको थोड़ा गंदा दिख सकता है। और देखो यमुना में जो ये आप झाग देख रहे हो ना, ये जो झाग है ये दोस्तों, जब पानी में अमोनिया की जो मात्रा बढ़ती है ना तो इस तरीके के झाग आते हैं। कहीं ना कहीं पानी को तो ये झाग प्रभावित करते ही हैं, लेकिन आज हम किसी दिन और बात करेंगे झाग के ऊपर। लेकिन आज तो भाई हम ब्लॉग बनाने आए हैं, यहाँ पर कितना शांत वातावरण है, कितना अच्छी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ आती हैं। तो ये यमुना के पास भाई ये नाव खड़ी है, ये नाव देखो इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन समय आने पर ये नाव चलती हैं भाई। एक ये री काफ़ी ज़्यादा नाव है और ये यमुना का किनारा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर लोग पूजा भी करते हैं, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं देखो दूर दूर से, क्योंकि यमुना नदी का एक अलग महत्व है। लोग इसको माता के तौर पर पूजते हैं। टापू सा बना पड़ा है, यहाँ मंदिर है, यहाँ पर भाई पुजारी भी मिल जाएंगे आपको पूजा के लिए। और ये देखो ये कुछ यहाँ से नज़ारा है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था यमुना नदी के किनारे से। फिर किसी दिन हम एक और अच्छी लोकेशन पर चलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। जय हिंद, वंदे मातरम।